हेलो फ्रेंड्स, एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए एक अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे HDFC बैंक का लोगो बनाना। तो ये भी बहुत इजी लोगो है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले शेप में जाना है और लेना है इस बार रेक्टेंगल, मतलब कि एक बॉक्स, और इस बॉक्स को कर देना है ड्रॉ कुछ इस तरीके से। बॉक्स ड्रॉ होने के बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स की एक डुप्लीकेट बना देनी है कंट्रोल प्लस डी से। तो कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं और इसको शिफ्ट के साथ छोटा करना है। तो कॉर्नर से शिफ्ट के साथ इसे पकड़ के स्मॉल करना है ताकि आप इसे इजीली तरीके से छोटा कर सके। यहां से देख सकते हैं दोनों साइड से हमने कर दिया है। अब दोनों को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और जाना है अलाइनमेंट में सेंटर, और अलाइनमेंट में कर देना है मिडिल, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। थोड़ा और छोटा करना है, एक बार और करते हैं शिफ्ट के साथ। को सेलेक्ट किया मिडिल और सेंटर कर देना है यहां से। इसके बाद हमें लेना है एक बॉक्स, बॉक्स लेना है बिल्कुल इसके बराबर। तो पहले वाले का कलर हम करेंगे रेड, ताकि इसको बनाते जाएंगे साथ में कलर भी करते जाएंगे। तो रेड कर दिया हमने यहां पे। आउटलाइन हटा देना है, ध्यान रखना है आउटलाइन नहीं रखना है। और इस वाले पे कलर व्हाइट है तो व्हाइट ही रखना है। अब फिर इसके बाद इसे एक बार और डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी से, लेकिन इसका कलर जो रखेंगे वो रखना है ब्लू। तो फिल कलर में जाके इसको फिर से हम यहां से ब्लू कलर कर देंगे। थोड़ा और छोटा करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ यहाँ पे अलेंज सेंटर और अलेंज मिडिल का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ध्यान रखना है कि ये सेंटर और मिडिल का हिसाब किताब थोड़ा हमें देख के करना है ताकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर आ सके इस तरीके से। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है एक बॉक्स लेना है शेप में जाके। तो दोबारा से हम यहां से इंसर्ट में जाएंगे शेप में और यहां से लेंगे रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, मतलब दोनों डायरेक्शन में हमें ये प्लस बनाना है इस तरीके से। दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर से वही यहां से मिडिल कर दो, बीच में आ जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करना है, यहां से आप सेंटर कर दो, बीच में आ जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा करना है साइज को इस तरीके से। ओके, अब क्या करना है, इसकी आउटलाइन को हमें हटा देना है, इसकी दोनों आउटलाइन को हमें हटा देना है। तो हटाने के लिए हमें नो आउटलाइन करना है और इसका भी आउटलाइन हमें नो आउटलाइन करना है। अब क्या करना है, ये जो पीछे वाला जो हमारा ब्लू शेप है इसको फ्रंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे पीछे रखेंगे तो फिर वो सही बनेगा नहीं। तो इसको फ्रंट करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है। तो ब्रिंग टू फ्रंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका लोगो रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इस पूरे को ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के लिए हम जाएंगे यही होम में, सेलेक्ट में, और क्लिक करना है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे और एरिया बना लेना है इसके ऊपर। एरिया बनाने के बाद फॉर्मेट में जाके इसको यहां से लास्ट में, देख रहे हो यहां पे ग्रुप पे क्लिक करके से ज्वाइंट कर लेना है। देन अब प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, ये हो गया डुप्लीकेट, और इसको हम सेट करने वाले हैं लोगो में। तो यहां से इसे छोटा कर दो इस तरीके से, ये हो गया आपका एक स्मॉल लोगो एक बिग लोगो, यहां पे हमने इसे सेट किया। और इसके बाद हमें एक शेप इसके अंदर बनाना है, तो यहां से लेंगे एक रेक्टेंगल शेप में जाके यहां से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल इसके सट आगे इस तरीके से, ये ऐसे, ये हो गया ड्रॉ। कलर कर दिया हमने इसका ब्लू, यहां से फिल कलर में आउटलाइन हटा देना है और इंसर्ट में जाके लिखना है वर्ड आर्ट में टैक्स HDFC बैंक। तो यहां टाइप कर देते हैं HDFC बैंक। ओके, टैक्स रैपिंग में गए यहाँ पे फॉर्मेट में, ये देख लो जरा ध्यान से, फॉर्मेट में जाना है टैक्स रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टैक्स, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके फिट कर दो, ये फिट हो जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा लेना है साइज यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट करके, और इसको सेट कर लेंगे, ये हो गया तैयार। तो ये हमारा बन गया HDFC बैंक का लोगो। तो इसी तरीके से आप जो भी बैंक का लोगो बनाना चाहें पहले आप देखें वो लोगो कैसा है, कैसा होने के बाद फिर उसे डिजाइन करना है ताकि आप उसे बना सकें।
इसी तरह एक सिंपल लोगो और मैं बता देता हूँ, ये हम बनाएंगे IDFC बैंक का लोगो। यहीं पे बना देता हूँ IDFC बैंक का लोगो। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, चार बॉक्स लेने हैं, चार अलग अलग बॉक्स लेने हैं। एक बॉक्स लिया इस तरीके से, ठीक है, इसको कलर कर दो, जो भी कलर है, जो IDFC बैंक में कलर होता है। तो इसका कलर मैं देख लेता हूँ कौन सा है, ये वाला। आउटलाइन हटा देना है इसकी, नो आउटलाइन। इसको डुप्लीकेट कर दो कंट्रोल डी से, ये हो गया दूसरा। इसको बिल्कुल बराबर रखना है, इसके बिल्कुल बराबर, दो हो गए। कलर चेंज कर देते हैं येलो, फिर डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, फिर इसे उठाया, इसके बिल्कुल बराबर सेट कर दिया, फिर कंट्रोल डी, ये आ गया। अब इस पे कलर कर देते हैं, कलर इस पे थोड़ा सा रेड बनेगा, हल्का रेड, मोर फिल कलर में जाके हमें बनाना होगा। यहां से मैंने रेड लिया, ये थोड़ा सा हल्का बनाना है, ये देखो। और इसके ऊपर भी वैसे ही कलर बनाना है, मोर फिल पे जाके। इसका कलर है ये, ओके कर। तो सारे कलर अलग अलग आ चुके हैं। अब हमें इस पर लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी टेक्स्ट लिया था, तो अब बार बार वर्ड अट जाएंगे, टाइम लगेगा। तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से। और डुप्लीकेट करने के बाद टेक्स्ट एडिट कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट में देखो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे जाके इसको चेंज कर दो। तो चेंज यहाँ पे करना होगा IDFC के लिए आई, और इसको छोटा करके स्मॉल करके यहाँ पे फिट करना है इसके अंदर, ये हो गया फिट इस तरीके से। इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से, हुआ नहीं, फिर से करो कंट्रोल डी, इसको यहां सेट किया, फिर कंट्रोल डी इस तरीके से। अब इसको चेंज करना है क्योंकि फटाफट इसको टेक्स्ट को बदलना है। तो फॉर्मेट में एडिट करेंगे, यहां पे लगाया डी, ओके कर दिया, डी आ गया। फिर यहां गए एडिट किया, यहां पे लगाएंगे एफ, ओके कर दिया। फिर यहां पे जाएंगे क्लिक किया और एडिट किया, यहां पे कर देंगे सी, ओके कर दिया। ये सारा, अब ये सब सेंटर में फिट करना है। ये सब बना तो लिया है हमने, इसको थोड़ा बढ़ा दो, बना तो दिया, लेकिन ये भी फिट नहीं है, इसको फिट करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो अब एडजस्ट करने के लिए पहले शेप, फिर ऑब्जेक्ट, और अलाइनमेंट में भाई सेंटर और मिडिल का हिसाब किताब देना है। दोनों को सिलेक्ट किया, अलेंज, एक बार सेंटर, एक बार मिडिल, फिर दोनों को क्लिक किया, अलेंज, एक बार सेंटर, सॉरी, एक बार सेंटर, एक बार मिडिल। ध्यान रखना है दो दो शेप, मतलब ये सी और ये पीछे वाला शेप, दोनों को सेलेक्ट कर, अलाइनमेंट, सेंटर और मिडिल, ये हो गया बराबर। अब इन सबको ग्रुप कर लो। तो भाई होम में सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में एरिया बनाना है, और इसको यहां से फॉर्मेट में जाके ग्रुप कर लेना है, और इसको डेंडेट कर लेना है, ये देखो। तो यहां पे भी आप देखेंगे हमने आज दो लोगो बना दिया, एक तो HDFC बैंक का लोगो बनाया और दूसरा हमने बनाया IDFC बैंक का लोगो। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस पे कमेंट करें और इसको यूज जरूर करें, इसको बनाकर देखें। बनाएंगे तभी आप पता चलेगा कि कैसे आपने बनाया। देखने में लगेगा आसान है, लेकिन थोड़ा मैं बनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आई, तो उस दिक्कत को ही सॉल्व करना होता है ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अच्छी तरह से काम कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,